हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमें कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारी पावरफुल और अमेजिंग किस्म की फीमेल सुपर हीरोज़ देखने को मिली हैं, जिनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है, जिनकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ होती है, जिनकी जो फिजियोलॉजी होती है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल होती है। और सुपर हीरोज़ बैटलैंड के 5th एपिसोड में आज मैं मार्वल और डीसी के दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है फीमेल कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ। यानी कि बेसिकली आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूँगा डीसी कॉमिक्स के सुपर गर्ल को मार्वल कॉमिक्स के जेन फॉस्टर की थॉर के साथ, और जानेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, जो दोनों में से ज़्यादा सुपीरियर कौन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस, पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुपर गर्ल के बारे में। तो सुपर गर्ल यानी कि कारा ज़ोर-एल जो है हमारे सुपरमैन की बायोलॉजिकल कज़न रहती है, और ये अर्थ पे काफ़ी टाइम बाद जो है क्रैश होती है। बेसिकली ये स्पेस में ही फंसी रहती है और एक काफ़ी लंबे पीरियड के बाद जो है वो अर्थ पे वापस आती है, अर्थ पे क्रैश होती है, इवन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ JLA। और जब सुपरमैन को जो है सुपर गर्ल के बारे में पता चलता है, तो उसे ये पता चलता है कि सुपर गर्ल भी जो है सुपरमैन जितनी ही कहीं तक पावरफुल है, उसी की जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज़ पजेस करती है, क्योंकि वो एक क्रिप्टोनियन है। अगर हम लोग बात करें सुपर गर्ल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो ये पजेस करती है क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी, वास्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वास्ट सुपर ह्यूमन हियरिंग, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। इन सब के अलावा हमारे सुपरमैन के तरह ही सुपर गर्ल भी पजेस करती है हीट विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन और एक्सरे विजन। इन सब के अलावा ये इन्फ्रारेड विजन, फ्रीज ब्रीथ और इनवल्नरेबिलिटी जैसी जो है एबिलिटीज भी पजेस करती है। साथ ही साथ सुपर गर्ल भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है उड़ सकती है, वो लॉन्गेविटी का फैक्टर भी पजेस करती है, और इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रैपिड किस्म का हीलिंग फैक्टर भी है। साथ ही साथ सुपर गर्ल के पास टेलीपैथिक इम्यूनिटी भी है, ये पजेस करती है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, और इसके पास टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी भी मौजूद है। अगर बात करें तो कारा ज़ोर-एल जो है फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, वो कई हद तक खुद को इनविजिबल कर सकती है, और इसकी कॉमिक्स में काफ़ी बड़ी बड़ी फीट्स रही है। फॉर एग्जाम्पल, कारा ज़ोर-एल यानी कि सुपर गर्ल ने जो है एक न्यूक को बड़े ही ईजिली सर्वाइव कर लिया था, जैसे कि उसके लिए कुछ था ही नहीं। इन सब के अलावा, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि रेड सन जो है सुपरमैन और सुपर गर्ल की एक काफ़ी बड़ी वीकनेस है, तो रेड सन से पावरलेस हो जाने के बावजूद भी जो है इसने काफ़ी सारे सुपर ह्यूमन बींग्स को डिफीट कर दिया था अपने कॉम्बैट स्किल्स के साथ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट भी है। इन सब के अलावा इसने वंडर वुमन को भी डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफीट किया है, और एक काफ़ी इंक्रेडिबल फीट सुपरगर्ल की ये निकल के आती है कि इसने पूरे के पूरे काफ़ी बड़े अर्थक्वेक को जो है शांत कर दिया था सिर्फ एक सीटी के ज़रिए। तो इस वजह से तुम समझ सकते हो कि जो है इसकी फिजियोलॉजी कितनी ज़्यादा इंक्रेडिबल किस्म की है, सुपर गर्ल की स्ट्रेंथ कितनी इंक्रेडिबल किस्म की है। और अगर हम लोग आ जाएं सुपर गर्ल की वीकनेस के ऊपर, तो तुम लोग को पता ही होगा कि जिस तरीके से सुपरमैन जो है क्रिप्टोनाइट, मैजिक और रेड सन से वीक होता है, उसी तरीके से सुपर गर्ल भी वीक होती है। बट यहाँ पर यह चीज़ निकल के आता है कि सुपरमैन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम होल्ड बैक करता है, लेकिन सुपर गर्ल होल्ड बैक नहीं करती है। इसी की वजह से वो रेड सन और मैजिक से पावरलेस हो जाने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें कॉमिक्स में देखने को मिलती आई है, और वो अपनी पावर्स को ऑलमोस्ट हर तरीके से यूज़ कर पाती है, काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाती है। तो गाइस, अब आ जाते हैं इसके अपोनेंट जेन फॉस्टर के ऊपर। तो बेसिकली हमें कॉमिक्स में एक इवेंट ऐसा देखने को मिलता है जहां थॉर की फाइट गॉड से चल रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ जो है जेन को जो है ब्रीस्ट कैंसर हो जाता है, जिसके बाद जेन को जो है थॉर एसगार्ड पे लेके आता है। इन सब के अलावा जो है हमें एक इस स्टोरी लाइन के दौरान ये देखने को मिलता है कि थॉर एक्चुअल में अनवर्दी हो चुका होता है, और थॉर का म्योनीर जो है अब थॉर के पास नहीं होता है। बेसिकली थॉर अब म्योनीर को लिफ्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हिमडाल जो है जेन को म्योनीर के लोकेशन पे लेके जाता है, और जेन जो है म्योनीर को उठा लेती है, जिसके बाद उसे मिल जाती है थॉर की पावर, और इस तरीके से वो माइटी थॉर या कह सकते हैं कि लेडी थॉर बन जाती है। और अपकमिंग मूवी थॉर लव एंड थंडर में भी शायद हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें जेन फॉस्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो जब ये थॉर बन जाती है तो इसके पास आ जाती है एसगार्डियन फिजियोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। इन सब के अलावा ये पजेस करती है इनहैंस्ड विजन और डेथ परसेप्शन भी। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है उड़ सकती है, ये इसी के पास भी रैपिड हीलिंग फैक्टर है, और ये एनर्जी को कई हद तक मैनिपुलेट कर सकती है। और म्योनीर के बारे में तुम लोग सभी जानते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल वेपन है, तो म्योनीर की वजह से जो है ये इलेक्ट्रोकाइनेसिस और वेदर मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें भी परफॉर्म कर सकती है। इन सब के अलावा जेन फॉस्टर की भी जो है कह सकते हो कि कॉमिक्स में काफ़ी बड़ी बड़ी फीट्स रही है, जैसे कि इसने जो है एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है अनकैनी किस्म के जो है मॉन्स्टर को, जो एक बिल्डिंग से भी बड़ा था,
उसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ ही डिफीट कर दिया था। साथ ही साथ इसने एक फ्रॉस्ट जायंट के हेड को लिटरली एक्सप्लोड कर दिया था। इतना ही नहीं, इसने एक आइस ब्रिज को भी लाइटनिंग के साथ शैटर कर रखा है कॉमिक्स के अंदर। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कॉमिक्स में हमें ये कई हद तक दिखाया गया है कि जेन फॉस्टर जो है एक्चुअल में थॉर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से म्योनीर को यूज़ करना जानती है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जेन फॉस्टर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है कैरेक्टर निकल के आती है मार्वल कॉमिक्स की, जब वो थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ पजेस कर लेती है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया है दोनों ही कैरेक्टर्स के काफ़ी सारे जो है पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, कुछ फीट्स के बारे में। तो अब आ जाते हैं कॉन्क्लूजन के ऊपर कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, दोनों में से ज़्यादा सुपीरियर कौन है। तो ओवरऑल जो है मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को विनर चुनना इतना ज़्यादा जो है आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की एबिलिटी शो कर चुकी हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सुपर गर्ल के पास जो है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है, उसकी सुपर स्ट्रेंथ, उसकी रिफ्लेक्सेस, उसकी जो एबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लाई करती है। बेसिकली सुपर गर्ल जो है बड़ी आसानी से प्लैनेट्स को और स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन सब के अलावा वो सुपरमैन की तरह होल्ड बैक नहीं करती है, इसी वजह से वो अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करना जानती है। साथ ही साथ अगर हम लोग आ जाएं जेन फॉस्टर के ऊपर, तो वो जो है म्योनीर को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना जानती है। वो लाइटनिंग को चैनलाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकती है और इसने काफ़ी सारे पावरफुल बींग्स को डिफीट किया है बड़े ही आसानी से। तो इतना तो हम लोग को पता ही है कि दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। और अगर देखें तो जेन फॉस्टर के पास जो है म्योनीर का एक प्लस पॉइंट भी है, लेकिन जेन फॉस्टर की अगर हम लोग वीकनेस पे नज़र डालें तो उसकी वीकनेस बेसिकली यही है कि अगर उसे म्योनीर से दूर लेके जाया जाता है तो वह बस कुछ मिनट में ही अपनी पावर्स को खो देती है। और वही सुपर गर्ल की जो वीकनेस है वो क्रिप्टोनाइट, रेड सन और मैजिक है, जहाँ मैजिक और रेड सन का इस पर कुछ खास ज़्यादा असर नहीं होता है क्योंकि ये अपने आप को होल्ड बैक करना जानती नहीं है, ये अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करती है। लेकिन क्रिप्टोनाइट से काफ़ी बुरा असर इस पर हो सकता है। लेकिन अगर इन सब के अलावा मुझे इन दोनों में से किसी एक को विनर चुनना हो तो मैं सुपर गर्ल के साथ जाऊँगा, क्योंकि सुपर गर्ल बेसिकली लगभग सुपरमैन के बराबरी की कैरेक्टर है, जो थॉर और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स के कंपेरेटिबल है, जो उनके बराबरी पे आती है। तो अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में कभी फाइट होती भी है तो सुपर गर्ल की जो रिफ्लेक्सेस है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो एक्सपीरियंस है और उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो कह सकते हो कि जेन फॉस्टर से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा सुपर गर्ल के लिए जेन फॉस्टर के अगेंस्ट फाइट करना। और ऐसा नहीं है कि जेन फॉस्टर उसे डिफीट नहीं कर सकती है, जेन फॉस्टर के पास म्योनीर का प्लस पॉइंट है, लेकिन वो जो है उतनी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की फाइटर नहीं है, वो उसके पास उतना ज़्यादा बेहतरीन किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है फाइटिंग को लेके, जिस वजह से अगर मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स में से किसी एक को विनर चुनना हो तो सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड का विनर मैं चुनूंगा सुपर गर्ल को। सो गाइज, ये थी वीडियो सुपर गर्ल और जेन फॉस्टर के थॉर के कंपैरिजन को लेके। अब बेसिकली ये मेरा ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन ऑब्वियसली डिफरेंट भी हो सकता है, तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपना थम्स अप जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।